नमस्कार, बीटीएन न्यूज का यह विशेष प्रसारण देख रहे हैं। दरभंगा बाजार समिति से मतगणना अपडेट, ये हम आपको अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं। जो तस्वीर हमारे मीडिया के माध्यम से अंदर मतगणना की तस्वीर, बाहर की तस्वीर हम इससे पहले दिखा रहे थे आपको कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था चप्पे चप्पे पर पुलिस और प्रशासन की तैनाती, पोस्टल बैलेट की गिनती हुई। सबसे पहले हम आपको पोस्टल बैलेट अपडेट के बारे में बता देते हैं। पोस्टल बैलेट में गोपाल जी ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं पोस्टल बैलेट में। ये सबसे पहले खबर आई है, पोस्टल बैलेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर आगे चल रहे हैं, ये गिनती जारी है। हम आपको दरभंगा के बारे में, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें, बिहार के अन्य जो संसदीय क्षेत्र है वहां से भी खबर आ रही है। जहानाबाद से आरजेडी आगे, पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल आगे, सीतामढ़ी से पहले दौर में जहां जेडीयू आगे, अभी आरजेडी के आगे आने की खबर है। पाटलिपुत्रा से पहले मीसा भारती आगे चल रही थी, वहां थोड़े वोट से अब बीजेपी आगे हो गई है। गया से जीतन राम मांझी 7,800 वोट से आगे चल रहे हैं। बांका से जेडीयू आगे है। पटना साहिब से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एक समय पीछे हुए थे, अब वह 900 वोट से आगे हो गए हैं। उजियारपुर से बीजेपी आगे, महाराजगंज से बीजेपी आगे, हाजीपुर से चिराग पासवान आगे चल रहे हैं, आरा में बीजेपी आगे, मधेपुरा में जेडीयू आगे, खगड़िया में राजेश वर्मा आगे चल रहे हैं, मुजफ्फरपुर में भारतीय जनता पार्टी आगे, गोपालगंज में जेडीयू आगे, नवादा में बीजेपी आगे, कटिहार से कांटे की टक्कर है और बेगूसराय में बीजेपी आगे। तो ये खबर अलग, नालंदा से जेडीयू आगे है, सारण से बीजेपी और आरजेडी कांटे की टक्कर में, थोड़े वोट से बीजेपी आगे, शिवहर से जेडीयू आगे। तो ये हम अलग खबर आपको बता रहे हैं। अब गोपाल जी ठाकुर जो मतगणना परिसर में जाने से पहले पूरे जीत के आश्वस्त हो रहे थे अपनी जीत के प्रति, उन्होंने मीडिया से बात की, उनकी बात सुनिए। जा रहे हैं संपूर्ण देश में नरेंद्र भाई मोदी के प्रधानमंत्री बनाने के लिए मतदाता अपना अपना मत दे करके अब की बार 400 पार जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का नारा था वह आज साकार होने जा रहा है। उसी क्रम में दरभंगा संसदीय क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी के रूप में मेरा भी विजय होना सुनिश्चित है और हम पूर्व से भी कहते थे दरभंगा में कोई लड़ाई ही नहीं है, सिर्फ एक औपचारिकताएं बाकी है जो 4 जून को पूरा होने वाला है और 4 जून को 400 पार का संपूर्ण देश में रिजल्ट आने वाला है और पुनः एक बार नरेंद्र भाई मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं। दूसरी ओर आरजेडी भी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त, उनके प्रतिनिधि नारद यादव से हमने बात की, उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल फेल हुआ, एग्जिट पोल की बारी, दरभंगा में भी जीतेंगे। दरभंगा में भी मतगणना शुरू हो गया है और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि दरभंगा से महागठबंधन के प्रत्याशी श्री ललित कुमार यादव जी भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। जैसा कि अब अभी खबर आ रही है कि पूरे देश में एनडीए से महागठबंधन बहुत आगे। अब हम आपको अंदर मतगणना परिसर शिवधारा बाजार समिति के अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं। अंदर का रुझान आया है। सबसे पहले हम आपको विधानसभा क्षेत्र बारी बारी से बता रहे हैं। जैसा कि आप जान ले, 6 विधानसभा क्षेत्र है दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में। तो हमारे पास 80 बेनीपुर का परिणाम पहले राउंड का आ गया है। 80 बेनीपुर में
गोपाल जी ठाकुर को 4068 मत मिले तो राजद के ललित कुमार यादव को 2394 मत, यहां लगभग 1600 वोटों से ललित कुमार यादव पीछे हैं बेनीपुर में। लेकिन उसके बाद बहादुरपुर की बात करें, यहां ललित कुमार यादव आगे हैं। ये अंदर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, परिणाम भी बता रहे हैं। ये देखिए अग्निशामक की तस्वीर भी, और हम आपको आंकड़ा डाटा पर भी एक साथ अंदर की तस्वीर और आंकड़े पर भी बात। बहादुरपुर में यहां ललित कुमार यादव आगे हैं 3818 मत पहले राउंड के मतगणना में ललित कुमार यादव को, गोपाल जी ठाकुर को 2870 मत। ये अपडेट है। तो दो जगह का अपडेट हमने आपको बताया, बेनीपुर में गोपाल जी ठाकुर आगे तो बहादुरपुर में ललित कुमार यादव आगे, ये अपडेट हम आपको लगातार बता रहे हैं। इसके अलावा हम आपको अन्य जो बिहार के अन्य संसदीय क्षेत्र है वहां से जो खबर छन छन के आ रही है, मुंगेर से जेडीयू आगे, सीतामढ़ी से जेडीयू आगे, वैशाली से लोजप्पा के बीना देवी कुछ मतों से आगे, बेगूसराय से गिरिराज सिंह पीछे हो गए हैं, पहले आगे चल रहे थे, उजियारपुर से ये कांटे की टक्कर में अभी भाजपा आगे है, तो जहानाबाद से जेडीयू आगे, शिवहर से जेडीयू आगे, पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल भाजपा के आगे, और सीतामढ़ी से कांटे की टक्कर में कभी राजद आगे तो कभी जेडीयू आगे, पाटलिपुत्रा से भी कांटे की टक्कर मीसा भारती और रामकृपाल यादव में, गया से जीतन राम मांझी 7800 वोट से आगे, बांका से जेडीयू आगे, पटना साहिब से बीजेपी भी कांटे की टक्कर में, महाराजगंज से बीजेपी आगे, हाजीपुर से चिराग पासवान लोजप्पा आगे, आरा से बीजेपी आगे, मधेपुरा से जेडीयू आगे, खगड़िया से लोजप्पा आगे, मुजफ्फरपुर से बीजेपी आगे, गोपालगंज से जेडीयू आगे, नवादा से बीजेपी आगे। तो ये अपडेट बिहार की भी हम आपको बता रहे हैं, और इसके बाद सीधे हम आपको दरभंगा गोपाल जी ठाकुर का हमने बयान सुनवाया, उन्होंने जीत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, तो राजद के प्रतिनिधि नारद यादव को हमने सुनवाया। अब अंदर की तस्वीर आप देखें, अंदर की तस्वीर मतगणना परिसर के अंदर की तस्वीर हम आपको बता रहे हैं, और किसे कितना वोट आया ये हम आपको 80 बेनीपुर के बारे में बता रहे थे। बहादुरपुर में देखिए, बहादुरपुर में 2870 वोट गोपाल जी ठाकुर को मिले, 3818 वोट ललित कुमार यादव को मिले, तो कुल 7000 टोटल वोट जो है वो 7151 वोट में, इसमें नोटा को भी 125 वोट मिला है, और आश्चर्य की बात सरोज चौधरी को 147 वोट, रजनीश कुमार को 24 वोट, रंजीत कुमार राम को 17 वोट, किशोर कुमार दास को 51 वोट, 56 वोट बसपा के दुर्गानंद महावीर नायक को। ये बहादुरपुर के पहले राउंड की स्थिति है। अलीनगर की तस्वीर भी आई है पहले राउंड की, अलीनगर में आप जान लीजिए, अलीनगर में कुल 7281 वोटों की गिनती में गोपाल जी ठाकुर यहां आगे हैं, 4490 वोट गोपाल जी ठाकुर को, तो ललित कुमार यादव को 2166 वोट, दुर्गानंद महावीर नायक बसप्पा को 78 वोट, इसी तरह निर्दलीय किशोर दास को 42, रंजीत राम को 24, रजनीश कुमार को 34, सरोज चौधरी को 154, मिथिलेश महतो को 76 और नोटा को यहां 217 वोट मिला है। ये अलीनगर की तस्वीर है। तो इस तरह 10,21,962 मतदाताओं में पहले राउंड के वोटों की गिनती जो तीन जगह का था हमने आपको बताया, बहादुरपुर में ललित कुमार यादव आगे, बेनीपुर में पहले राउंड में गोपाल जी ठाकुर आगे, और अलीनगर में पहले राउंड में गोपाल जी ठाकुर आगे, पोस्टल बैलेट में भी गोपाल जी ठाकुर आगे चल रहे हैं। ये तस्वीर अपडेट हम आपको यथासंभव जो हमारे पास आ रहा है बता रहे हैं।
और हमारे पास चौथे विधानसभा दरभंगा ग्रामीण की भी खबर आ गई है। दरभंगा ग्रामीण में भी भारतीय जनता पार्टी के गोपाल जी ठाकुर पीछे हो गए हैं। ललित कुमार यादव को यहां पहले राउंड के वोटों की गिनती में 3,035 वोट मिला है, तो गोपाल जी ठाकुर को 2,934 वोट मिला है। 8,583 वोटों की गिनती में बसपा को 62 वोट और किशोर कुमार दास को 65 वोट, रंजीत राम को 25 वोट, रजनीश कुमार को 44 वोट, सरोज चौधरी को 182 वोट, मिथिलेश महतो को 69 वोट और नोटा को 177 वोट। ये दरभंगा ग्रामीण में, यानी दो विधानसभा ऐसे समझ लें, 80 बेनीपुर में गोपाल जी ठाकुर आगे, 81 अली नगर में गोपाल जी ठाकुर आगे पहले राउंड में, तो दरभंगा ग्रामीण में ललित कुमार यादव आगे, बहादुरपुर में ललित कुमार यादव आगे। तो कांटे की टक्कर, और पोस्टल बैलेट में कुछ मतों से गोपाल जी ठाकुर आगे। तो ये परिस्थिति, ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जैसे जैसे तस्वीर आ रही है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमने बेनीपुर, हमने अली नगर की स्थिति को बताया, हमने दरभंगा ग्रामीण और बहादुरपुर की स्थिति, जो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, पहले राउंड की वोटों की गिनती में किस तरह कांटे की टक्कर है हम आपको बता रहे हैं। हालांकि अगर कुल मिलाकर के देखें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुछ मतों से आगे चल रहे हैं। तो ये अपडेट स्थिति है। बीटीएन न्यूज लगातार अंदर की तस्वीर, अंदर के रुझान को आप तक पहुंचा रहा है। जैसे जैसे हमारे पास अपडेट आता जाएगा, हम अपडेट आप तक बीटीएन न्यूज लगातार आपको पहुंचाएगा। और ये अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं, मतगणना परिसर बाजार समिति दरभंगा के अंदर की तस्वीर को, जहां से जैसे जैसे रुझान आ रहा है हम आप तक उस तस्वीर को बता रहे हैं। ये 14 दरभंगा संसदीय विधानसभा क्षेत्र, अगर टोटल वोट की हम बात करें तो किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी है, अगर पार्लियामेंट्री में गोपाल जी ठाकुर आगे तो चल रहे हैं, पहले राउंड के वोटों की गिनती में ये हमारे पास अपडेट पुनः आ गया है, 11,842 वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, ललित कुमार यादव को 7,719 वोट, सरोज चौधरी को 454 वोट, दुर्गानंद महावीर नायक को 199 वोट, मिथिलेश महतो को 164 वोट, किशोर कुमार दास को 151 वोट, रजनीश कुमार को 88 वोट, रंजीत कुमार राम को 54 वोट और नोटा को 563 वोट। 21,234 वोटों की गिनती में ये अपडेट स्थिति, और गोपाल जी ठाकुर लगभग 4,000 वोट से आगे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। लेकिन यह मामूली बढ़त, और 4 विधानसभा क्षेत्रों में, 2 विधानसभा क्षेत्र में ललित कुमार यादव आगे, और 1-2 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर आगे चल रहे हैं। और विधानसभा क्षेत्र का अलग अलग ब्यौरा हम आपको यथासंभव, जो मीडिया सेंटर से हमें प्राप्त हुआ है, अंदर की जो तस्वीर हमें प्राप्त हुई है, हम आपको बता रहे हैं। लेकिन अपडेट पूरे ओवरऑल, 23,482 वोट गोपाल जी ठाकुर को, 18,225 वोट ललित यादव, यहां तक का अपडेट, 5,257 वोट से गोपाल जी ठाकुर आगे चल रहे हैं। हालांकि अब काफी अंतर बड़ा नहीं माना जाएगा, सभी का जो विधानसभा, 6 विधानसभा क्षेत्र है उसका जो पहले मतदान केंद्र से वोटों की गिनती हुई है, ये पहला अपडेट, जहां पहले राउंड में 16,332 वोट गोपाल जी ठाकुर को थे, था 9,885 वोट ललित कुमार यादव को था, और दूसरे राउंड के वोटों की गिनती में ये थोड़ा ललित यादव और गोपाल जी ठाकुर में अंतर घटा है, 23,482 वोट गोपाल जी ठाकुर को, 18,225 वोट ललित कुमार यादव को। तो इस तरह से 5,257 मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी ललित कुमार यादव से आगे चल रहे हैं दूसरे राउंड की मतगणना के प्रारंभ में। ये अपडेट है, बीटीएन न्यूज यथासंभव लगातार आपको
बाजार समिति शिवधारा से मतगणना परिसर के अंदर के रुझान को बता रहा है। जैसे ही जैसे जैसे हम तक अपडेट आएगा, हम आगे आपको बताते रहेंगे।